जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने ज्योतिष संस्थान में। आज हम लेकर आए हैं मिथुन राशि मई 2020 का राशिफल। दर्शकों, लॉकडाउन पूरे भारत में चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, तो बड़ा असंभव था वीडियो बनाना जाके चैनल में, इसलिए हमने ऑडियो के माध्यम से आपको राशिफल प्रदान किया है। और लोगों की कोशिश थी, लोगों के फ़ोन आते थे, गुरुजी, आचार्य जी, आप हमको राशिफल मई का भेजें तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। तो दर्शकों, चलो आगे जानते हैं कि मिथुन राशि मई 2020 का कैसा रहने वाला है। मई का महीना, इस माह में जो आपका स्वास्थ्य की यदि बात करते हैं, तो इस माह में स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा और जल्दीबाजी से आपको कोई काम नहीं करने हैं, आपको न्यायपूर्वक सारे काम करने हैं। और इस समय क्या है कि आपकी जो उत्कृष्ट भावना, जो अंदर से एक अंदरस्थ टूट होकर आप विश्वास से काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस माह में यदि आप कोई भूमि भवन का चिंतन कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़, यदि आप कोई माँ आपकी स्वस्थ नहीं है, माँ के प्रति कोई आप चिंतित हैं, तो वो भी आपको समाचार पढ़ा तो अच्छा रहेगा। माँ की आप पूरी तरह से देखभाल कर पाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और ऐसी स्थिति में क्या है कि जो आपका पंचमेश शुक्र बारमा चला गया, कोई आपका बिछड़ा हुआ प्रेमी या प्रेमिका, वो आपको प्राप्त होंगी मई के महीने में। कोई दोस्त होंगे जिससे आपका कोई पुराना संबंध था, उनसे आपकी दोस्ती थी, या कोई व्यापार था साझेदारी का, उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, कोई बुजुर्ग आदमी भी आपका टच में था जिसने आपके आपको सहयोग किया, उनका भी आपको सदा सपोर्ट रहेगा, उससे आपका काम बनेगा। दूसरा, जिसके शादी होने वाली है या शादी की बात चल रही है, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु सप्तम में विराजमान है, तलाक होने की संभावना बनेगी, या जिनकी शादी हो चुकी है उनको अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखने हैं मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि केतु के सप्तम में बैठना थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव बना रहता है, इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाने हैं। गुरु शनि मंगल आपके अष्टम में विराजमान है, मंगल उच्चस्थ हो गए हैं शनि मकर राशि में, तो धन तो आपके पास आएगा, बाहर से आएगा, और किसी बुजुर्ग आदमी के साथ आपको धन मिलेगा, भाग्योदय होगा, शादी बाद आपका भाग्योदय होगा, लेकिन आपको उस रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से निभाना है और काम करना है, ताकि कोई दिक्कत आगे ना बढ़े और अपने व्यापार में और अपने मांगलिक कार्य में आप सफल हो पाएंगे। बुध सूर्य आपके आय में विराजमान है, सूर्य यहाँ उच्च के हो गए हैं, ऐसी स्थिति में जो सरकारी वर्कर हैं या जो कर्मचारी लोग हैं, उनके लिए एक अच्छा संकेत मिलेगा। एक बहुत ही मेहनत की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जिसमें उसमें भी आपको अच्छा सफलता मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। शुक्र बारमा होने से प्रेम का, मुजरा का, सैया सुक्का होता है, लज्जय लाइफ का होता है, तो इस माह आप बहुत ही खुश रहेंगे, कूल रहेंगे और अंदरस्टूड रहेंगे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अपने आप में आप प्रसन्न रहने की बहुत आपको आवश्यकता है, और अंदर से आप, जहरसी बात है, अंदर से आप खुश रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शनि का जो प्रभाव बना हुआ है आपकी राशि में बहुत अच्छा है, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, और यदि हम देखें मंगल की स्थिति, तो मंगल की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आपके जो आय के स्रोत हैं, जो आपका धन आना है या धन में कोई विलम्ब हो रहा, वो धन भी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, क्योंकि बुध सूर्य सूर्योदय योग बना हुआ है, तो इसलिए आपको धन की कमी नहीं रहेगी। और जो कोई आप चेंजें करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नौकरी में, व्यापार में, उसमें भी आपको मई के माह में शुभ संकेत दिखाई दे रहा, उसमें आपको शुभ समाचार मिलेगा। सबसे अच्छा यह है कि यदि किसी से आपकी शत्रुता है या कोई आपके लिए परेशान करता है, तो आप बुधवार के दिन एक रोटी लें, उसमें घी लगाएं और मीठा चीनी डालकर किसी कुत्ते को खिला दें, तो आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, बुध को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, या जो आपके व्यापार में कोई दिक्कत है, कंठ में दिक्कत है, थायराइड की परेशानी है, आपको स्किन प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको अपनी राशि का एक पन्ना रत्न धारण करना है। पन्ना रत्न धारण करने से आपको पूर्ण सफलता मिलेगी और पूर्ण आपको एक लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ऐसा यहाँ संकेत दिखाई दे रहा है। दर्शकों, जीवन में समय को पकड़ना, समय के साथ चलना बहुत ही एक
समझदारी है और बहुत ही एक चेतावनी होती है, इसलिए समय के हिसाब से चलेंगे तो सारे काम होंगे, सारी सफलताएं आपको इकट्ठा होकर प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए आपका जो भाग्य अंक है वो आपका 3 नंबर होता है, और इसलिए आपको अंक का हिसाब ध्यान में रखते हुए आगे आप अपना कार्य करें, और इस महीने में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेंगी अपना।